हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हेल्दी रेमेडी लेके आए हैं फ्रेंड्स कि आप इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी रहेंगे, बहुत ही थिक और एकदम लॉन्ग होंगे। और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ये आपके बालों की जड़ों को बिल्कुल मजबूत बना देगी। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी और रेसिपीज देखने को मिलेगी। और आपको कौन सी रेसिपी या रेमेडी पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है प्याज। तो प्याज का रस हमारे बालों के लिए एकदम वरदान टाइप का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपके बालों में डैंड्रफ है, ये दो मुए बाल है, आपके बालों में चमक नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है ये, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है प्याज के रस का। तो प्याज के रस को आप किसी भी तरीके से आप या तो रात को लगा के सो जाना या आप सुबह नहाने से 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे फ्रेंड्स। इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो हफ्ते में कम से कम आप इसको 1 से 2 बार या 3 बार जितना हो सके तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपके बालों को धोएं तो उसके पहले आप ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेमेडी है ये। और आपके बालों की इतनी ज़्यादा स्पीड से लॉन्ग होने लगेंगे, स्पीड से ग्रोथ होने लगेगी कि खुद इसके रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे। बट आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 1 या 2 बार में बिल्कुल अच्छे से पूरा रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही 1 या 2 बार में आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की भी रहेंगे, एकदम चमक रहेगी बालों में। और ये चीज़ें नेचुरल तरीके से हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। तो आपको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, या आप कोई मिक्सी का जार लेके मिक्सी में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। जिसको जिस भी तरीके से आपको आसान लगे उसी से आप इसका जूस निकालना है आपको। तो ये हमने इसको ग्रेट कर लिए हैं, अब इसका जूस निकाल के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है प्याज का जूस है, जो हमारे बालों के लिए इतना वरदान टाइप का काम करता है ये कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो झड़ते हुए बालों को तुरंत में रोक देता है। या आप 1 या 2 बार में इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट आ जाता है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो वहाँ पे भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने प्याज का जूस को निकाल कर एक साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड में ले लिया हमने कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते हमारे बालों के लिए एकदम वरदान टाइप का काम करते हैं। आप या तो इसको कच्चे भी चबा सकते हो खाली पेट सुबह। आप 3 से 4 पत्ती रोज़ अगर खाना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की समस्याएं सभी दूर होंगी और आपके बाल इतने ज़्यादा चमक आएगी, बालों में साइन आएगी, और आपके जो चेहरे पे जो भी दाग धब्बे रहते हैं वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। कड़ी पत्ते बहुत ही ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन से भरपूर है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है ये। तो आपको इस तरीके से कूट के इसको बिल्कुल प्योर इसका जूस निकालना है, चाहे आपको 1 या 2 चम्मच निकले या आपको 1 या 2 ड्रॉप जितनी भी निकले, इसको इसी तरीके से कूट के इसका जूस निकालना है, क्योंकि ये जूस इसका ज़्यादा इतना पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा इसका जूस है जो ये। तो आपको अगर बॉयल करके आप यूज करते हैं या आप किसी भी तरीके से आप इसको डायरेक्ट पीस के या आप इस तरीके से कूट के इसका जूस निकाल के अप्लाई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे, बहुत ही जल्दी इससे असर दिखेगा आपके बालों में। तो यह हमने ले लिया प्याज को जो हमने छान के रखा, तो उसी कटोरी में इसको छान के और इसका जूस निकाल लेंगे, बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए इसका जूस निकालना है, क्योंकि कड़ी पत्ते सूखे रहते हैं, इनमें इतना कोई जूस निकलता नहीं है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी मेहनत करके जितना निकले उतना ही आप इसमें जूस निकालना है आपको। तो इसका देख सकते हैं निकल चुका है जूस है, जो भी इसमें 3 से 4-5 बूंद जितनी भी निकली है वो ड्रॉप है, तो वो अच्छे से निकल चुकी है। इतनी ज़्यादा पावरफुल हमारे बालों के लिए कि आपको ऐसा नहीं कि आपको क्वांटिटी इसकी बढ़ानी है, आपको इतनी मात्रा में इसको निकाल कर तैयार करना है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो गई हमारे बालों के लिए, एकदम ये नई जान डाल देगी आपके बालों के लिए कि जो भी अगर आपके बाल उगने से रुक गए या आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आपके बालों में डैंड्रफ या 2 मुए बाल हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको अप्लाई करें। इसमें अगर आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा 2 मुए हो रहे तो आप इसमें एलोवेरा जेल डाल के भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ले लिया विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई का कैप्सूल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल आप किसी भी तरीके से आपको ऐड करना है इसमें। आप अगर तेल लगा रहे तो तेल में भी मिक्स करके अप्लाई करें तो आपके भी बाल बहुत ही हेल्दी रहेंगे। बाल चाहे कितने भी हो पर बहुत ही हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। आपके बाल झड़ते झड़ते पूरे एंडिंग हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो ये रेमेडी थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अप्लाई करें, आपके बालों की सभी समस्याएं दूर होंगी। इतना ज़्यादा पावरफुल ये रेमेडी रहती है कि स्ट्रॉन्ग रहती है, हमारे बालों को झड़ते हुए बालों को बिल्कुल कंट्रोल करती है। बट इनको जब भी आप बाल धुलें तभी आप इसको अप्लाई कर लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कम से कम इसको रात को लगा के अगर सो जाएंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपके बालों की सभी समस्याएं दूर होगी। नई टाइम है तो आप इसको नहाने से कम इसको 1 से 1.5 घंटा पहले तो लगाना ही है, तभी आपके बालों में इसका असर दिखेगा। वैसे नहीं है कि इसको 1 मिनट 2 मिनट लगा कर आप बाल धो लिए तो कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा इस तरीके से। लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर देंगे ओले ऑयल, तो ये भी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके बालों के लिए, क्योंकि ओले ऑयल हमारे बालों को उगाने का काम करता है और बहुत ही हेल्दी रखता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।